दोस्तों बात करें तो अगर आपने सैमसंग के फोन्स देख रहे होगे तो आज के समय में सैमसंग के फोन्स में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट है, लेकिन कुछ साल पहले तक ये कहानी नहीं थी। अगर मैं सिर्फ 2-3 साल पहले की बात करूं, आपको सैमसंग में जे सीरीज, ऑन सीरीज याद है, किस टाइप के फोन देखने को मिलते थे, और तब से लेके अभी तक एक काफी बड़ा एक इंप्रूवमेंट आ गया सैमसंग के अंदर। इसके बारे में बात करने वाले अभी क्या है, क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है और कहां का क्या जरूरत है, सब कुछ बात करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहली चीज, आज से पहले क्या होता था, 3 साल पहले तक आपको सैमसंग के फोन्स देखने को मिलते थे, जे सीरीज, ऑन सीरीज के फोन्स थे। वो सैमसंग के जो फोन्स थे ना, उस जमाने के हिसाब से काफी ज्यादा आउटडेटेड थे। यानी कि अगर 3 साल पहले भी अगर बात करूं, जब बाकी कंपनीज 18:9 डिस्प्ले वाले फोन निकाल रही थी, 16:9 वाले निकाल रहे थे, सेंसर्स की कमी देखने को मिलती थी, यहां तक कि तब उनका सॉफ्टवेयर भी आपको इतना अच्छा देखने को नहीं मिलता था। याद है एक जमाने में एक्सपीरियंस यूआई होता था, उससे पहले टचविज होता था। यानी कि देखा तो सैमसंग की कहानी इतनी ज्यादा स्मूथ नहीं थी, और अभी देख के लगता है कि इंप्रूवमेंट आपको काफी ज्यादा मिला। अगर अभी की आप सैमसंग के ए सीरीज, एम सीरीज के फोन देखो, वो डायरेक्टली हेड टू हेड जो उनका चाइनीज कंपटीशन आ रहा है उससे कंपीट कर रहे हैं। इवन अगर मैं यहां पे बात करूं वन यूआई की, तो उसमें काफी बड़ा चेंज आया है। आज के समय में काफी सारे ऐसे लोग हैं जो वन यूआई को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। एक जमाने में सैमसंग के पास टचविज होता था, काफी ज्यादा ब्लोटेड यूआई था, काफी ज्यादा स्लो था, काफी सारी प्रॉब्लम थी। धीरे धीरे वो सारी चीजें फिक्स करी और वन यूआई को लेकर आया, और वन यूआई देखा तो काफी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है। जैसे ऑब्वियसली इसमें काफी सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स तो आते ही आते हैं, लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी चीज है कि कुछ ऐसे सिलेक्टिव फीचर्स भी है जो दूसरी कंपनी आज के समय में दे नहीं पा रही। जैसे बात करें सैमसंग डेक्स की, ऑब्वियसली हार्डवेयर रिलेटेड फीचर है, लेकिन जिन सैमसंग के महंगे फोन में डेक्स आता है वो काफी कमाल की चीज हो जाती है। और ऐसे ही नॉक सिक्योरिटी, मार्केट में कोई भी ऐसा स्टैंडर्ड सिक्योरिटी का एप्लीकेशन नहीं जैसे आपको सैमसंग का नॉक्स देखने को मिलता है। इवन क्या आप लोगों को मालूम है कि जो नॉक सिक्योरिटी होती है ना, उसे यूएस की गवर्नमेंट ने भी अप्रूव किया कि अगर यूएस गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल है तो उसको सैमसंग का नॉक सिक्योरिटी वाला जो फोन होता है वही यूज करना है, क्योंकि बहुत ही इंटरप्राइज लेवल की सिक्योरिटी रहती है। और ये कुछ ऐसी चीजें रहती है जो सैमसंग को काफी ज्यादा अलग बनाती है, लेकिन पूरी बात यहां खत्म नहीं हो जाती। इवन क्या आप लोगों को मालूम है कि सैमसंग ने प्रॉमिस किया कि 2019 के बाद से जितने भी फोन लॉन्च है उन्हें लगभग 4 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट दिया जाएगा। इस लिस्ट के अंदर लगभग 130-140 फोन आ जाते हैं। मतलब ये लिस्ट इतनी ज्यादा बड़ी है कि तो गूगल भी अपने फोन को अपडेट नहीं देता, और इतने सारे फोन्स को कोई भी कंपनी आज के समय में अपडेट नहीं दे रही। और 4 साल का मतलब यहां पे ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको हर महीने या हर दूसरे दिन अपडेट मिलेगा। 4 साल का मतलब ये रहता है कि 2-3 महीने में आपके फोन के अंदर अपडेट आ गया, और 4 साल बाद भी हो सकता है कि किसी किसी फोन के अंदर आपको अपडेट देखने को मिले। इस तरीके से कहानी चल रही है। ये मतलब नहीं होता कि हर महीने अपडेट आएगा, लेकिन कुछ ऐसे सैमसंग के फोन है, ए सीरीज के फोन, जहां पे लोग हर मंथ अपडेट प्रोवाइड कर रहे हैं और एक स्टेबल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये काफी सही चीज है। इवन अपने फ्लैगशिप लेवल के फोन्स को भी अच्छे तरीके से अपडेट कर पा रहे हैं। और तो और क्या आप लोगों को मालूम है कि इंटरप्राइज लेवल पे इन्होंने अभी अनाउंस किया है कि 5 साल तक ये सॉफ्टवेयर अपडेट प्रोवाइड करेंगे। मतलब इतना लंबा तो गूगल भी नहीं दे पाता जो खुद एंड्रॉइड बनाता था। और यहां पे सैमसंग अपडेट्स के मामले में काफी अच्छा खेल रही है। कुछ साल पहले तक सैमसंग की अपडेट्स की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा बेकार थी, लेकिन सिर्फ 1-1.5 साल के अंदर बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ अगर मैं सिर्फ अपडेट्स के बारे में बात करूं तो। इसके साथ ही स्टेबिलिटी के बारे में तो हम बात ही कर सकते हैं, क्योंकि आज भी देखा तो मार्केट में वन यूआई कंपैरेटिवली दूसरे यूआई के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल है। बग्स भी आपको कम देखने को मिलते हैं, इश्यूज भी कम देखने को मिलते हैं, और जो स्टेबिलिटी है ना वो आपको ज्यादा देखने को मिलती है। वहीं दूसरे जो चाइनीज कॉम्पिटिशन है ना इनका, वहां पर देखा जाए तो आपको सॉफ्टवेयर नई नई चीजें देखने को मिलती है, नए नए हार्डवेयर देखने को मिलते हैं, लेकिन जो सॉफ्टवेयर में जो बग्स आ जाते हैं ना वो कई बार लोगों को काफी ज्यादा परेशान कर देते हैं। ये चीज सैमसंग के साथ आपको देखने को नहीं मिलती। तो बात किया तो सॉफ्टवेयर के बारे में बात मैंने कर ली, लेकिन अभी के हिसाब से अगर मैं सैमसंग के फोन्स के बारे में बात करूं तो वो 3 ऐसे पिलर्स होते हैं जहां पे हमेशा वो स्टैंड आउट कर रहे हैं। पहला है डिस्प्ले। डिस्प्ले के अंदर सैमसंग की एमोलेड टेक्नोलॉजी सबसे बेस्ट है। कभी हमने सोचा नहीं था कि एमोलेड को वो इस प्राइस के अंदर भी ले आएंगे और काफी सारे फोन्स के अंदर लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जो कलर्स होते हैं आपको काफी बेहतरीन देखने को मिलते हैं, और सैमसंग के एमोलेड डिस्प्ले काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। इसलिए जिस किसी को भी डिस्प्ले प्रायोरिटी रहती है तो उसको सैमसंग का फोन रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि उसमें ओवरऑल आपको एक अच्छा डिस्प्ले पैनल देखने को मिलता है। लेकिन बात यह कि यहां पे मार्केट में जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ा और जिस तरीके से मार्केट में दूसरी जो कंपनीज है वो अपने एमोलेड डिस्प्लेस ले, तो यहां पे सैमसंग ने भी यही काम किया, और वो भी अपने एमोलेड वाले फोन्स होते ना काफी ज्यादा कर दिए। जैसे एम
M32 जैसे फोन के बारे में बात करें, वो 15,000 रुपए से कम में 90 हर्ट्ज का AMOLED डिस्प्ले ले आया। अभी भी 15,000 से कम में हाई रिफ्रेश रेट AMOLED डिस्प्ले कोई दूसरी कंपनी नहीं ला पाई। इसके साथ ही बात करें कैमरास की, तो आपको सैमसंग के फोन के अंदर काफी अच्छा कैमरा देखने को मिलता है। मतलब कि यहाँ पे इमेज सेंसर भी वो अच्छा यूज कर रहे हैं, प्लस प्रोसेसिंग अच्छी यूज कर रहे हैं। जिससे बात करें इवन जो मिड रेंज वाले फोन होते हैं उनमें कैमरे की क्वालिटी काफी अच्छी देखने को मिलती है। सैमसंग के पास डिस्प्ले और कैमरा कैसे हथियार है, ये काफी सारे लोग जो उसके फोन परचेस कर रहे हैं ना, काफी लोग उसे कैमरा और डिस्प्ले के लिए करते हैं। और ऐसे ही यहाँ पे बैटरी भी है। बैटरी एक ऐसी चीज है सैमसंग के फोन के अंदर, जितने भी फोन टेस्ट करे सबके अंदर बड़ी बैटरी 5,000, 6,000, इवन अगर ये लोग 7,000 mAh की बैटरी को भी इम्प्लीमेंट करते हैं ना 7,000 mAh की, उसके अंदर भी फोन की थिकनेस को भी कंट्रोल करते हैं और वेट को भी कंट्रोल करते हैं। मतलब जहां दूसरी कंपनीज के फोन 6,000 mAh की बैटरी वाले थोड़े भारी हो जाते हैं, वही उससे हल्के में लोग 7,000 mAh की बैटरी। मतलब बॉडी वेट बैलेंस और जो इनोवेशन वाली जो चीज हो रही है ना, ये काफी अच्छी है कि इवन मिड रेंज वाले फोन के अंदर भी लोग अच्छा इनोवेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। हालांकि एक ऐसी चीज है जहां अभी भी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है ना, वो है इनके चिपसेट को लेके। अभी भी देखा जाए तो सैमसंग के जो फोन है वो कहीं ना कहीं चिपसेट वगैरह में थोड़े लैग वगैरह कर जाते हैं, लेकिन अच्छी बात है कि पिछले एक साल में यहां पे इंप्रूवमेंट है। पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार ये एक्सिनोस पे थोड़ा सा कम रिलाई कर रहे हैं। एक्सिनोस के अलावा जो दूसरे प्रोसेसर होते हैं वो देना चालू कर दे, ऑलरेडी मीडियाटेक का प्रोसेसर है। इसके साथ ही बात की जाए तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन को भी देना चालू कर दिया है। लेकिन बात यह कि सैमसंग है ना, कभी भी किसी भी चाइनीज कंपनी के बराबर अपने आप को गिरा नहीं सकता। कहने का मतलब है कि चाइनीज कंपनी जितनी भी है मार्केट में, वो अपने फोन को इस कीमत पर सिर्फ इसलिए बेच पा रही है क्योंकि उन्हें जरूरत है। अगर वो अपने फोन की कीमतें ज्यादा कर दे, स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड ना करे, उनके फोन कोई खरीदेगा नहीं, फिर लोग सीधे सैमसंग के पास आएंगे। सैमसंग को ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो आज भी सैमसंग इंडिया में सबसे बड़ा ब्रांड बनकर बैठा हुआ है। ये नोकिया के जमाने से चलता हुआ आ रहा है और अभी भी काफी अच्छी पकड़ बना रखी है। इवन बात करें पिछले 10 साल में स्मार्टफोन मार्केट में बहुत अच्छी पकड़ है। इवन शाओमी जैसी कंपनी को भी खुद 7 साल हुए इंडिया के अंदर आए हुए, और वो भी इंडियन मार्केट में अभी इतनी अच्छी पकड़ नहीं बना पाए। इवन मैं बात करूं Tier 3, Tier 4 सिटीज में, वहां पे सैमसंग की ऐसी रीच बनी हुई है कि सैमसंग अपने नाम के कारण बिकता है, और इसी चीज का सैमसंग यहां पे फायदा उठा रहा है। इवन बात करें सैमसंग ने तो यहां पे दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी ओपन कर रखी है, जहां पे सबसे ज्यादा क्वांटिटीज में स्मार्टफोन बनाए जाते हैं। यानी कि सैमसंग हर लेवल पे काम कर रहा है, और सैमसंग को पता है कि उसकी जो रीच बन चुकी है ना, उसका वो फायदा उठा सकता है। अब जैसे की बात करें अगर सैमसंग अगर स्पेसिफिकेशन वाइज अगर थोड़ा सा प्रीमियम चार्ज कर रहा है, तो बदले में ब्रांड वैल्यू दे रहा है, रीसेल वैल्यू भी मिल जाती है। इसके साथ ही बात किया तो सैमसंग में आपको बेटर आफ्टर सेल सर्विस भी मिल जाती है। इतने सालों में जो आफ्टर सेल्स का नेटवर्क है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इस चीज का सैमसंग फायदा उठा रहा है। और कैसे बात ना करें अपडेट की और स्टेबल सॉफ्टवेयर की, जो आपको सैमसंग के फोन में कंसिस्टेंट देखने को मिल रहा है। इन कुछ चीजों के कारण जो सैमसंग के फोन है वो अभी भी कॉम्पिटिशन से आगे निकल जाते हैं। हालांकि स्पेसिफिकेशन वाली एक ऐसी चीज है जहां पर वो कैचअप कर रहे हैं, डिस्प्ले कैमरा और ये बैटरी के अंदर तो लोग कैचअप कर चुके हैं। अब प्रोसेसर वाली ऐसी चीज है जिसके अंदर वो धीरे धीरे कर रहे हैं। हालांकि बात करें तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी पीछे छूटे हुए। जिसके बात करें 750G प्रोसेसर के साथ M52 निकाला था, उसकी कीमत Note CE 5G से कम है, जो कि ऑलरेडी स्नैपड्रैगन 750G के साथ आता है। ऐसे ही बात करें 720G को लेके आए थे अपने गैलेक्सी A सीरीज के फोन के अंदर, A52 के अंदर, और सैमसंग ने लेकिन ऐसा कर दिया कि अगर एक प्रोसेसर लेके आएंगे ना अपने किसी एक फोन के अंदर, लेकिन बाकी सारे कुछ ऐसे फीचर डाल देंगे जो कॉम्पिटिशन वाली चीज प्रोवाइड नहीं करें। जैसे क्या लगता है आपको, उस फोन के अंदर आपको IP रेटिंग भी देखने मिलती, OIS देखने को मिलता है, स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल गया, काफी सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। और ऐसी अगर मैं बात करूं सैमसंग के मोबाइल फोन बिजनेस की, तो यहां पे मल्टीपल सेगमेंट है। ऑब्वियसली A सीरीज आती है, M सीरीज आती है, F सीरीज आती है, इसके अलावा आपकी फ्लैगशिप में S सीरीज आती है, नोट सीरीज डिसकंटिन्यू हो चुकी है, और प्रीमियम में आपको फोल्ड और फ्लिप देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं A, M और F सीरीज की ना, तो यहां पे लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है। कुछ लोग समझते हैं कि A सीरीज ओवर प्राइस्ड है, M सीरीज की प्राइस अच्छी है। इसको यहां पे क्लियर कर देने वाला हूं। M और F सीरीज जो बनाई गई ना, वो ऑनलाइन को ध्यान में रखकर बनाई गई है। जो M सीरीज है वो Amazon के लिए एक्सक्लूसिव है, जो F सीरीज है वो Flipkart के लिए एक्सक्लूसिव है। लेकिन ऐसा नहीं कि ऑनलाइन में एक्सक्लूसिव है, कुछ रिटेल स्टोर्स में भी मिलते हैं और दुकानों में भी M और F सीरीज मिलती है। लेकिन बात है कि M और F सीरीज पे ये लोग इतना अच्छा डीलर मार्जिन नहीं छोड़ते हैं, इसलिए M और F सीरीज की प्राइस ऑनलाइन और ऑफलाइन आपको सिमिलर देखने होते हैं। A सीरीज की कहानी अलग है। A सीरीज के अंदर बात है कि ऑफलाइन में ये एक्स टारगेट की जाती है, इसलिए ऑफलाइन में जो डीलर का मार्जिन होता है वो ज्यादा रहता है। इसलिए किसी को भी अगर A सीरीज का फोन खरीदना है, अगर वो ऑफलाइन में खरीदने जाएगा तो उसे बेटर डील्स देखने को मिलती है। इवन एक एग्जांपल बताता हूं, लोगों ने 20,000 रुपीस में भी रिसेंटली A52 स्मार्टफोन को खरीदा, जो उस पर्टिकुलर प्राइस सेगमेंट में काफी सॉलिड फोन हो जाता है। अगर मैं ओवरऑल कंपेयर करूं या 20 से कम में,
काफी अच्छी डील साबित हो सकता है। और इवन ऐसी बात नहीं है कि एम और एफ सीरीज में सिर्फ ऑनलाइन और ऑफलाइन का डिफरेंस है, बाकी सेम है, ऐसा नहीं है। एफ और एम सीरीज में थोड़ी स्पेसिफिकेशन पे ज्यादा ध्यान देते हैं और उसको थोड़े अफोर्डेबल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ई सीरीज के अंदर क्या रहता है, स्पेसिफिकेशन पर भी ध्यान है लेकिन कुछ एडिशनल फीचर्स पर भी ध्यान देते हैं, जैसे कि अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। वेल ऑब्वियसली अब वो एम सीरीज के अंदर भी आ रहा है, लेकिन ये उसका एक फीचर रहता है, हाई रिफ्रेश डिस्प्ले, ऐसी चीजें कुछ फीचर रहती है। इसके साथ ही बात की जाए तो आपको OIS देखने को मिलता है, आईपी रेटिंग देखने को मिलती है, स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलते हैं। ये कुछ चीजें जो अभी उन्होंने अपनी ए सीरीज के अंदर रिजर्व कर रखी हैं। पहले सॉफ्टवेयर वाले फीचर्स भी रिजर्व कर रखे थे, जैसे कि पहले एम सीरीज में नॉक सिक्योरिटी देखने को नहीं मिलता था, ए में देखने को मिलता था, ए सीरीज में NFC भी आ गया था। तो हाँ, इस टाइप की चीजें ए सीरीज के अंदर कुछ एक्सक्लूसिव फीचर थे जो कि मार्केट के अंदर चलते थे और इसके लिए जो लोग है वो थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देने को तैयार भी हो जाते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, कुछ फीचर एम सीरीज के अंदर भी आ जाते लेकिन फिर भी ए सीरीज ने अपनी एक अलग जगह बना रखी है, जहां पे ए सीरीज में आपको आज भी ज्यादा फीचर देखने को मिल रहे हैं, प्लस ऑफलाइन मार्केट के अंदर आपको अलग अलग ऑफर देखने को मिल जाते हैं। इसलिए आज के समय में भी एम सीरीज से ज्यादा लोग ए सीरीज खरीदना पसंद कर रहे हैं। ऑब्वियसली इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो, 2020 का दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन खुद A51 था। लेकिन सिर्फ बात इतनी खत्म नहीं हो जाती, इसके साथ अगर मैं एस सीरीज के बारे में बात करूं तो एस सीरीज में भी यहां पर अच्छा काम किया। ऑब्वियसली S21 सीरीज को लाके लोग आईफोन से कंपीट करवा रहे, काफी सारे ऐसे लोग हैं जो 60-70 हजार रुपए पे कर रहे हैं, तो किसी दूसरी कंपनी की बजाय ये लोग सैमसंग के ऊपर जाना पसंद करते, यानी किसी दूसरी चाइनीज कंपनी को छोड़ के ये लोग S21, S21 प्लस, S21 अल्ट्रा लेते या फिर आईफोन लेते। और अभी भी S21 सीरीज आईफोन के साथ डायरेक्टली हेड टू हेड कंपीट करती है। लेकिन पूरी बातें खत्म नहीं हो जाती, जो एस की जो फैन एडिशन जो एफ ई निकाला था ना, S20 FE, इवन अभी रिसेंटली जो S20 FE 5G रिलीज किया था वो भी देखा तो काफी सॉलिड फोन है, क्योंकि उस फोन के अंदर देखा तो आपको स्नैपड्रैगन 865 मिल गया, वायरलेस चार्जिंग भी देखने को मिल रही है, उसके अंदर आपको सैमसंग डेक्स का सपोर्ट भी देखने को मिल गया, जो महंगे एस सीरीज फ्लैगशिप वाले फीचर थे वो उस फोन के अंदर आ गए। और देखा तो मार्केट में दूसरे 870 और 888 वाले फोन है ना, उनसे कम्पीट भी कर रहा है और काफी अच्छी वैल्यू भी प्रोवाइड कर रहा है, अराउंड 40,000 के अराउंड वो आज के समय मिल जाता है, और उस पर्टिकुलर प्राइस सेगमेंट में वो काफी अच्छी डील साबित हो सकता है S20 FE 5G वाला मॉडल। तो देखा या तो सैमसंग ने यहाँ पे काम किया, अब धीरे धीरे वो इंप्रूव भी कर रही है और बेटर प्रोसेसर वाले फोन्स को भी यहाँ पे लेके आ गई है, और आने वाले समय में एक्सिनोस के अंदर जब AMD इंटीग्रेट करेगा तो हो सकता है यहाँ पे आपको और बेटर चीजें देखने को मिले सैमसंग की तरफ से। ये कुछ खास चीजें हो जाती है, लेकिन इसके बाद भी एक दो ऐसी चीजें जहां पे सैमसंग को भी थोड़ा इंप्रूव करने की जरूरत है। जैसे बात करें बैटरी टेक्नोलॉजी की, आज भी मैं BB के ग्रुप को उठाकर देखूं, उनकी बैटरी टेक्नोलॉजी आज में काफी एडवांस है। ओप्पो, रियलमी, वन प्लस, इनमें जो 65W की चार्जिंग आती है ना वो फास्टेस्ट है, मतलब उनका 30W का चार्जर भी 33W के दूसरी कंपनीज के चार्जर से आगे निकल जाता है। टेक्नोलॉजी वाइज देखा जाए तो यहाँ पे सैमसंग को एक इंप्रूव करने की जरूरत है। इवन बात की जाए तो यहाँ पे लोग काफी ज्यादा इनोवेशन वगैरह कर रहे हैं, लेकिन बैटरी एक ऐसी चीज है जहाँ पे और इनोवेशन करने की जरूरत है। इसके साथ ही बात की जाए सॉफ्टवेयर में, अभी देखा जाए तो महंगे फोन के अंदर आपको ब्लोटवेयर कम देखने को मिलता है, लेकिन जो एम सीरीज एफ सीरीज के सस्ते फोन आते हैं वहां पे एक्स्ट्रा ब्लोटवेयर आपको देखने को मिलता है, ये एक चीज है। इसके साथ ही कुछ कुछ फोन के अंदर नोटिफिकेशन वगैरह में एड्स है, उन्हें गैलेक्सी स्टोर में साइन अप करके आपको डिसेबल करना पड़ता है, तब जाके आप एक क्लीन एक्सपीरियंस ले सकते हैं। अगर अपने बजट और मिड रेंज फोन में भी अगर क्लीन एक्सपीरियंस देने लगे जैसे थोड़े महंगे फोन के अंदर देते हैं, ये काफी अच्छी चीज होगी। लेकिन इन सब के बावजूद भी सैमसंग है ना आज के समय में काफी अच्छा कर रही है, इवन इनोवेशन के मामले में भी सैमसंग काफी अच्छा काम है। जैसे कि बात करें यहां पे गैलेक्सी Z Fold 3 जब आने वाला है तो ऑब्वियसली फोल्डेबल टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड लीडर ये सैमसंग ऑलरेडी बन चुकी है, बाकी कंपनीज अपने अच्छे तरीके से फोल्डेबल फोन मार्केट में लेकर आ भी नहीं पाई। इवन ये लोग अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी को भी इंप्रूव करने वाले हैं और कुछ सालों में लोग ग्राफीन बेस्ड बैटरी को भी इंप्लीमेंट करने वाले हैं, तो इनोवेशन तो उनका काफी ज्यादा कमाल हो रहा है। और इवन बात करें तो पिछले कुछ सालों में जे सीरीज ऑन सीरीज के बाद जो इन्होंने इंप्रूवमेंट दिखाए ए सीरीज एफ सीरीज और एम सीरीज के अंदर वो काफी अच्छा है, और उम्मीद है कि आने वाले फ्यूचर में ऐसे ही इंप्रूवमेंट करें और अच्छे अच्छे प्रोसेसर वाले भी फोन अगर मार्केट के अंदर निकालने लगे ना एक काफी अच्छी चीज होगी। और अच्छा लग रहा है इस बार जो सैमसंग के जो फोन है ना वो हेड टू हेड चाइनीज वाले कॉम्पिटिशन से कम्पीट कर रहे हैं, उम्मीद है कि धीरे धीरे लोग और इवॉल्व करेंगे। लेकिन काफी मजेदार चीज होगी देखने वाली कि आने वाले समय में जो सैमसंग के जो फोन है वो और किस तरीके से इवॉल्व करते हैं और किस तरीके से आपको और नई नई चीजें और नए नए इनोवेशन आपको देखने को मिलते हैं सैमसंग के फोन के अंदर। तो दोस्तों ये सारी बातें खत्म होती है सैमसंग के बारे में। वैसे आप लोगों को सैमसंग कंपनी कैसी लगती है? क्या लगता है कि आने वाले समय जो चाइनीज कंपनीज की तरफ से खतरनाक कंपटीशन आने वाला है उसके लोग हरा पाएंगे कि नहीं हरा पाएंगे? आपका जो ओपिनियन है बात नीचे कमेंट में बताना ना भूलो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।